नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में लगातार हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो आया है शजान खान को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि शजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने अब शजान की जमानत याचिका दाखिल कर दी है। जो आपको बता दें कि बीते 2 जनवरी को शजान की बहनों और मां के साथ मिलकर वकील शैलेंद्र मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुनिशा की मां तरफ से लगाए गए सभी आरोपों पर शजान के परिवार की ओर से पलटवार किया गया और अब इसके बाद आज सीधे सीधे शजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है, जिसके बाद आपको बता दें कि आने वाली 7 जनवरी को शजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो जहां एक ओर लगातार तुनिशा शर्मा की मां शजान खान के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है, ऐसे में क्या कोर्ट की तरफ से शजान खान को राहत मिलेगी, क्या शजान खान को बेल मिल पाएगी या नहीं, या फिर कोर्ट की तरफ से शजान खान पर एक बार फिर से कहर बरसता हुआ दिखाई देगा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी तुनिशा शर्मा के केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।